गुड इवनिंग गाइज। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं 5 बजे से आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के। और थोड़ी देर पहले ये पिया था तुलसी का पंचारंग जूस, ये मैंने मंगाया था, पतंजलि वालों का है, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है, तो इसे दिन में 2 बार पी सकते हो। हम 2 बार तो नहीं पी रहे हैं, 1 बार पी लेते हैं, कभी सुबह पी लेते हैं, कभी शाम को, जितना बन पड़ पाता है उतना पी लेते हैं इसको। एक एक चम्मच लेते हैं और थोड़े से पानी में उसे डालकर डाइल्यूट करके हम तीनों ले लेते हैं, तीनों का मतलब एक एक चम्मच। तो फिलहाल वेदर दिखाती हूँ आपको, उसे कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर वेदर हो रहा है, इतना प्यारा है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, सच में मौसम की मेहरबानी है हमारे ऊपर, जो इतनी खुशी मिलती है जब भी देखती हूँ ना। ठंडा ठंडा बिना फ़ैन के मैं लेट गई थी आज, आप यकीन नहीं मानोगे, बिना फ़ैन के मैं लेटी हुई थी बहुत देर से। और दोपहर में सोने की आदत ना छूट गई है मेरी, तो बस लेट तो जाती हूँ आँखें बंद करके, लेकिन नींद नहीं आती। फिर भी बहुत अच्छा क्लाइमेट हो रहा है कि बिना पंखे के आप जून के महीने में लेट पा रहे हो, इससे बढ़िया बात क्या होगी आपके लिए, माइंड ब्लोइंग। तो आज क्या बोलती हूँ, तो आज प्रशांत बहुत बिजी है अपने किसी काम में, बस जब भी बात पूछती हूँ उसका जवाब सिर्फ हूँ हाँ मैं दे रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ चाय पियोगे, कहते हैं हूँ, ये करोगे हाँ, हवा बहुत तेज है तो बस शीशे की जो दरवाजे होते हैं ना उनका डर लगा रहता है मेरे को। तो इतना बिजी है आज वो कि मेरी किसी भी बात का ठीक से जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जो भी बात पूछ रहे हैं उसका जवाब सिर्फ हूँ और हाँ मैं मिल रहा है। खैर छोड़ो, जब शाम को कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी ना, ऐसे जवाब देंगे फिर। मम्मी, हेलो कशिश। मम्मी, बेटा, अरे वाह, आज बाल धोए हैं, बालों में अच्छा कर ला रहा है। आज कितना रेनी सा मौसम हो रहा है, रेन नहीं। हाँ, कल शाम को भी रेनी वेदर हो रहा था, क्लाउडी वेदर हो रहा था, लेकिन कल भी रेन नहीं हुई। कल भी हम इस उम्मीद में थे कि रेन तो हो ही जाएगी रात में ही, सही चाहे होगी जरूर, लेकिन रात में भी नहीं हुई। और आज तो कल से भी ज्यादा अच्छा वेदर हो रहा है, आज का ज्यादा अच्छा क्लाइमेट हो रहा है। क्या कर रही हो कशिश अभी? अच्छा, अभी ट्यूशन हो गया। ठंडे ठंडे वेदर में ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है, जैसे कोई चाट वाट। पता है मेरा मन कर रहा था कि किसी शॉप पर जाकर अच्छे से गर्मा गर्म चाट खाऊं, लेकिन वो सुख तो अब हमारी लाइफ से चला ही गया है, क्योंकि आप सोच ही सकते मैं हूँ तुम लोगों की चाट वाली। देखिए मुझे बोल रही कि मैं हूँ हम लोगों की चाट वाली। मेरा भी तो दिल करता है कोई मुझे गर्मा गर्म बना कर खिलाए। पहले कितनी अपॉर्चुनिटी होती थी कि बस बाजार में गए और गरम गरम आहा टिक्कियां, वो लोग कितने गरम गरम टिक्कियां बनाते हैं ना तवे पे, और वो फीलिंग में जब आंखें बंद करती हूँ ना सोचती हूँ वो तवा इतना गरम हो रहा है, उसमें ऑयल है और उसमें टिक्कियां सिक रही हैं, फिर वो छोले दही सॉल्ट चटनी ये सब डाल के जब बना के देते थे ना गरम गरम पत्ता, ये लीजिए मैम आपकी टिक्की, आहा मजा आ जाता था। बिना किसी मेहनत के इतनी अच्छी चाट खाने को मिल जाती थी, कभी पानी पूरी कभी दही बल्ले। सच्ची में वो दिन तो कहाँ चले गए, अब तो डर लगता है सोच के भी कि कहीं बाजार में कुछ खा भी पाएंगे कभी। मतलब सच्ची में पिछले 3 महीने से मैंने बाजार का कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, बस एक ब्रेड जरूर आती है बाजार की, अदरवाइज तो मतलब सब्जी ब्रेड ये सब तो कॉमन चीजें हैं, दूध ये तो आता है बाजार से, अदरवाइज मैं बाजार से कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं। और आज चाट की बात करके तो सच में मेरा चाट खाने का दिल करने लगा। बर्तन धो धो के ना हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए मॉइस्चराइज करती रहती हूँ जब भी समय मिलता है बीच बीच में। आप लोग भी मेरी तरह आंखें बंद करके सोचिए वो टाइम जब हम चाट की शॉप पे खड़े होकर क्या मजे से चाट खाया करते थे, क्या पानी पूरी खाया करते थे। आ रहा है ना स्वाद मुंह में, आ रहा है वो स्वाद, मेरे मुंह में तो आ गया है, और वो पूरा जो व्यू है ना वो भी मेरी आंखों में ऐसे क्रिएट हो गया जैसे क्या बताऊं। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, सुबह से कुछ लगाया नहीं है चेहरे पे, आज थोड़ा मैं लेट नहाई हूँ, आज नहाना वगैरह मेरा सब लेट हुआ है। बाय द वे फिलहाल मैं लगा रही हूँ ये बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर, और ये एक मॉइस्चराइजर है जो कि सारे स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है।
कुछ कपड़े हैं जो मैंने सुबह वॉश किए थे और उन्हें सुखाया नहीं मैंने, और इस वाली बालकनी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुखा सकती क्योंकि मैंने इस बालकनी में एक भी कपड़ा सुखाया तो वो उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, मुझे खुद नहीं पता। इनफैक्ट ये टॉवल्स में भी मुझे पिन लगा देनी चाहिए। हवा बहुत तेज है, वाह क्या ठंडी हवा है, जून में ऐसा मौसम मिल गया है बस मज़ा ही आ गया है। बालकनी थोड़ी साइड में पड़ती है ना इधर की तरफ, तो इधर इतनी तेज हवा नहीं चल रही जितनी हमारी बेडरूम की बालकनी में। एक हमारी बेडरूम की बालकनी में और एक कशिश के बेडरूम की बालकनी में इतनी तेज हवा चलती है ना, जब भी हवा आती है बारिश होती है सबसे ज्यादा वहीं पे पानी गिरता है। तो ये बालकनी थोड़ी सी ना बाकी सारी बालकनी से थोड़ी सी पीछे की तरफ है, तो इधर तक बारिश और हवा ज्यादा तेज नहीं आती। इधर मैं क्लिप भी नहीं लगाऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जाल लगा हुआ है इधर, ये पतली वाली जाली लगी हुई है यहाँ पे जो कबूतरों से बचाने के लिए नहीं होती वो वाली। इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि चाय पीना तो बनता है शाम की, तो शाम की एक अच्छी वाली बहुत ही अच्छी वाली अदरक वदरक डाल के लौंग इलायची डाल के चाय बनाऊंगी आज मस्त वाली, क्योंकि ऐसे मौसम में अदरक वाली चाय का जो स्वाद है ना वो अलग ही होता है। और मैं सोच रही हूँ जून के महीने में हम लोग अदरक वाली चाय इंजॉय कर पा रहे हैं, टू गुड। आज सुबह से ही जो मेरा चाट खाने का दिल कर रहा है ना, तो सुबह मैंने सोचा नहीं था मैं कुछ ऐसा करूँगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा मटरा भिगो दिया था सोच के कि मटरा कुलचा वगैरह इस टाइप का कुछ बना लूँगी, लेकिन अब मेरा मटरा कुलचा खाने का दिल नहीं कर रहा, अब मेरा मन कर रहा है आलू टिक्की खाने का, क्योंकि मैं आलू टिक्की की बात कर रही थी ना आपसे थोड़ी देर पहले, तो अब मेरा मन वही कर रहा है। आलू टिक्की में भी वो मटरा यूज़ में आ जाएगा, तो अब मैं मटरा वटरा डाल के दही डाल के सॉल्ट डाल के हरी चटनी डाल के एक अच्छी वाली टिक्की चाट बनाने की सोच रही हूँ, मज़ा आ जाएगा, बाहर की सारी चाटें फेल हो जाएंगी। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोग चटोरे हैं, लेकिन गाइज इस चटोरी जीभ का क्या करें, वो चटोरी है हम लोग चटोरे नहीं है। गाइज कशिश आज आप लोगों को डांस दिखाएगी, सॉन्ग भी तो किए हैं, एक बस एक ज्यादा सॉन्ग तो हम बजा नहीं सकते, तो थोड़ा सा सॉन्ग बजा के उस पर डांस कर दे, ऐसे ही मैं मुंह से गा देती हूँ। मैं मुंह से गाऊ देख लख लख परदेसी कर, गाना करके तो दिखाओ। हाँ बालकनी में तो और भी लोग देखेंगे। आ जाओ सारे, कशिश डांस करने वाली है। तो ये सफेद मटरा जो होता नहीं छोटा छोटा वाला वो भिगो रखा है, इसको मटरा या मटर भी बोलते हैं, सफेद मटर। इसको बिस्सल लगा लेते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के। मैंने अपने रगड़ा पेटीज की भी तैयारी कर ली है, यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए, मैंने दो ब्रेड ली थी उसे मिक्सी जार में चलाकर इस तरीके से उसके क्रम्स बना लिए क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। इधर 2-3 टेबल स्पून मैंने पोहा सोक करके रख दिया है, इसको भी हम रगड़ा पेटीज में डालेंगे। और थोड़े से मसाले वगैरह बाहर निकाल के रखे हैं, अभी चॉपिंग करूंगी प्याज की,
टमाटर की, क्योंकि वो ऊपर से पड़ेगा। अभी मीठी सॉस भी बनानी है, थोड़ी सी तो मेरे पास रखी हुई है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी है। अगर उसमें काम चल जाता है तो ठीक है, देखूंगी अभी चेक करूंगी कितनी है। अदरक की चाय अच्छी लग रही है ना आज? हाँ, ठंडी हवा है ना इसलिए। हाँ, हवा भी ठंडी चल रही है। जून में कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस टाइप की ठंडी हवा? पता है तुम्हें, पहाड़ों पे वो पड़े हैं ओले और बर्फ। पहाड़ों पे आज दिखा रहे थे न्यूज जून में। हाँ, ओले। हाँ, नेचर भी रिसेट हो रही है, तो समझ में नहीं आ रहा नेचर को कि मतलब कैसे करूँ। इतने दिनों बाद पॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे को। बहुत सही, वेदर के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा है साल। अभी थोड़ा सा बीच में पड़ गई थी एक डेढ़ हफ्ते के लिए गर्मी बहुत ज्यादा, लेकिन अभी ठीक हो गया। लेकिन यार वेदर हम वैसा वाला झेल लेंगे, लेकिन ये बीमारी नहीं झेल सकते। सच पूछो तो सही कह रहे हो। आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए शाम की मेरे साथ, गर्मा गर्म कल्लू। कहाँ गया कल्लू? दूध वाले की चाय है ये। एक्चुअली कल्लू दूध वाला हमारे घर पे दूध देने आता है, तो फिर मैंने बस उसके अंदर चाय पत्ती और शुगर मिलाई है और नल का पानी ले लिया था उसके अंदर। तो इसमें चाय बनाने का पूरा ना मेथड लिखा हुआ है, नल का पानी लीजिए और भागकर फिर कल्लू दूध वाले से जाकर दूध लेकर आइए, शुगर मिलाइए उसके अंदर और पत्ती मिलाइए और कल्लू दूध वाले की भैंस का दूध ले लीजिए और उसके बाद उसमें इलायची और अदरक डालकर उबाल लीजिए। आपकी घनघोर चाय बनकर तैयार है। अगर आपको चाय बनानी नहीं आती तो आज से बनानी आ जाएगी, मेरा ये कप देख कर। तो अब मैं कुकिंग स्टार्ट करूंगी विद म्यूजिक। यहाँ पर मैं अपना स्पीकर ले आई हूँ और इसे करने वाली हूँ अटैच अपने फोन से ब्लूटूथ के थ्रू, और उसके बाद गाने सुनते सुनते कुकिंग करूंगी। आलू गोल गए हैं बाय द वे, तो बस इनको पील आउट कर लेते हैं और उसके बाद इनको मैश कर लेते हैं। गाने सुनते सुनते खाना कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खाना नहीं, स्नैक्स नहीं, चाट। I won't cheat on you, baby. That's just something I would never do. मटरा मटर आप जो भी बोलते हैं, ये बॉईल हो चुका है, हमें इतना ही बॉईल करना था। इसमें आपको पानी कम लग रहा होगा, लेकिन हम बाद में बढ़ा लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। फिलहाल हम इसको तैयार कर लेते हैं, ये आलू टिक्की के ऊपर डालेंगे हम। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है, और जब जीरा क्रैकल हो जाएगा तहन मैं उसके अंदर अदरक डाल रही हूँ, थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, ग्रीन चिली ऐड करूँगी। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इस तरीके से आप इसे रगड़ा चाट भी बोल सकते हो या मटर चाट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 3 से 4 प्याज ले ली थी जो बारीक चॉप कर ली थी, उनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही टेस्टी सी एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाली हम यहाँ पर चाट बनाकर तैयार कर रहे हैं, मटर चाट, और वो हम टिक्कियों के ऊपर डालेंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो गई हैं देन मैं उसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 2 टमाटर के करीब थे मेरे पास, उन्हें भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दिया है इसके अंदर, इससे टमाटर जल्दी जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ जैसे कि हल्दी है, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है और अमचूर पाउडर है। नमक हमारा ऑलरेडी मटर में पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं नमक ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद इसको थोड़ा ढककर मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जब मसाला आपका ऑयल रिलीज कर देगा देन समझिए कि आपका मसाला अच्छे से पक चुका है या भुन चुका है। अब बस इसके अंदर मटर ऐड कर दीजिए। अब हम इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। हमारी मटर अच्छे से गली हुई थी, अगर आपकी मटर ज़्यादा अच्छे से गल नहीं पाई है तो आप उसे पोटैटो मैशर की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर लीजिए। मटर थोड़ी सी ना कहते हैं गली हुई होनी चाहिए, और बस इसमें पानी डालकर इसको एक उबाल लगा लीजिए।
लास्टली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मैंने एक एक टीस्पून के करीब ऐड कर दिया है और बस थोड़ा सा धनिया पत्ती और ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो रगड़ा है वो बनकर तैयार है पेटीज में डालने के लिए, यानी कि रगड़ा पेटीज हम आज बना रहे हैं। तो रगड़ा तो हमारा गर्मा गर्म बन के तैयार है और बहुत ही माउथ वाटरिंग लग रहा है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालिए, थोड़ी मीठी चटनी डालिए और इसमें थोड़े से सेब डाल लीजिए अगर आपके घर पर सेब है तो। नमकीन होता है ना बारीक वाला, वो डालिए इसके ऊपर और इसको ऐसे ही नींबू वीबू डालकर, प्याज डालकर, थोड़ा टमाटर डालकर आप इसे एज अ रगड़ा चाट बनाकर भी खा सकते हैं। लेकिन आज हम रगड़ा चाट नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं रगड़ा पेटीज, महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश। और दिल्ली में इसे आलू टिक्की भी बोलते हैं। दिल्ली में इसे अलग तरीके से थोड़ा सर्व करते हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा अलग तरीके से। चीज वही है लेकिन सर्विंग करने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है स्टेट वाइज। आज घर पर ही ठेला लगने वाला है, अच्छी अच्छी चाट मिलने वाली है, तो मुझे पता है सबकी चटोरी जीप जो है मेरे घर में वो आज शांत हो जाएगी इसे देखने के बाद। तो अभी मैं इसके अंदर मिला रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स में पहले थोड़े से मिलाऊंगी, थोड़े बचा लूंगी, जरूरत पड़ी तो हम और मिलाएंगे। ब्रेड क्रम्स मिलाने के बाद अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ पोहा। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिलाएं चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इससे फ्लेवर में चेंज आएगा, थोड़ा क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी टिक्कियों में, तो इसीलिए मैं मिला रही हूँ। ये 2-3 टेबल स्पून पोहा था जिसे मैंने पानी में सोख करके रखा था, मोटा वाला पोहा है ये, पतला वाला नहीं है। अब हम इस लाएंगे इसके अंदर अदरक, आप इस टाइम पे लहसुन भी मिला सकते हैं लेकिन लहसुन मैं स्किप कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने अपने रगड़ा में जो मैंने छोले वाली चाट बनाई है उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। अब हमें धीरे धीरे करके इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो मसालों में मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला ले लिया है मैंने इसमें, तो धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड कर दिया है, जीरा पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें तो हमने मिक्स कर दी हैं। सारे मसाले आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी आपको, आलू पेटी बनाते समय या आलू टिक्की बनाते समय आलू बहुत ज्यादा मत बॉईल करिए, अगर ज्यादा बॉईल्ड होंगे तो उनमें अंदर पानी रहेगा जिसकी वजह से आपकी टिक्कियां अच्छे से बन नहीं पाएंगी, चिपकेंगी बनते समय, टूट जाएंगी। और जैसे ही बॉईल हो जाए वैसे ही उनका गर्म पानी निकाल दीजिए और उन्हें ऐसे ठंडा छोड़ दीजिए। अब हथेली पे लगाएंगे हम हल्का सा ऑयल और करेंगे स्टार्ट बनाना अपनी टिक्कियां। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, छोटी बड़ी जिस टाइप की भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप साइज रख लीजिए टिक्कियों का। मैं थोड़ा बीच की साइज रख रही हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगी। और अगर आपको लगे कि आपकी टिक्कियां थोड़ी चिपक रही हैं, नहीं बन पा रही हैं, टूट रही हैं, तो आप इनमें ब्रेड क्रम्स बढ़ा सकते हो। तो ये साइज मुझे परफेक्ट लग रहा है, ये थोड़ा छोटा हो गया था तो इस साइज की मैं सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इधर तवे को भी थोड़ा गर्म करने के लिए रख देती हूँ, जब तक सारी टिक्कियां तैयार करूंगी तब तक तवा भी गर्म हो जाएगा। टिक्कियों को कुछ मैंने देखा है हलवाई लोग इस तरीके से गोल गोल करते हैं, इस तरीके से ये चीज ली, ऐसे ऐसे गोल गोल किया और उसको हल्का सा प्रेस कर दिया। कभी आपने हलवाई को बनाते हुए देखा हो तो ऐसे ही करते हैं। कुछ जगह की चाट तो इतनी ज्यादा फेमस होती है कि अगर वो दुकान बंद हो, चाहे हमारा कितना भी मन कर रहा हो खाने का, अगर वो दुकान बंद निकली तो हम घर वापस आ जाएंगे लेकिन किसी और शॉप की खाएंगे ही नहीं। ऐसा आपके साथ भी होता है तो बताना मेरे को, क्योंकि ऐसा होता है ना यार, वो जो है ना जो लाल चौक पे है वहां पर जो टिक्की वाला देसी घी की टिक्की बनाता है, मुझे उसके हाथ की टिक्कियां पसंद है,
उसकी दुकान पर ही मैं जाकर खाती हूँ, वरना मैं हर किसी की दुकान की नहीं खाती। ऐसे किसी ना किसी के कोई ना कोई फेवरेट शॉप जरूर होती है जिसकी चाट खाना उन्हें पसंद होता है। लेकिन आज आपको रीमा के हाथ की चाट खानी पड़ेगी। बाय द वे, आपकी पसंद चाहे कोई सी भी हो, लेकिन आज आपको खानी पड़ेगी रीमा के हाथ की चाट, और घर पर बनानी भी पड़ेगी, और अपने फैमिली के साथ मिलकर बैठकर खाइएगा, और बताना फिर मेरे को कि मेरे हाथ की बनी हुई चाट कैसी लगी। आप आओगे मेरी दुकान पर अगली बार? तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी टिक्कियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। तवा भी थोड़ा सा गर्म हो ही रहा है। क्या हो रहा है? अब क्यों आए हो? जब सुबह से मैं बोल रही हूँ ये वो, तो कुछ सुन नहीं रहे हो। हाँ हाँ हूँ ऐसे जवाब दे रहे थे। ये खुशबू आएगी तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी तो कोई भी आ जाएगा। गारंटी से तुम अपने सब्सक्राइबर्स अगर सुन पाते तो ये भी खींचे चले आते। क्या बना रही हो ये? ये मैं बना रही हूँ रगड़ा पेटीज, आलू टिक्की, जो भी आप बोलना चाहो। धीमी आंच पे सेक रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैंने थोड़ी मीडियम आंच कर ली है, और फिर इनको सेक रही हूँ जैसे कि ये लाल लाल हो जाए। जब भी हम टिक्की वाले के पास टिक्की खाने के लिए जाते हैं तो वो क्या करता है, बाकी सारी टिक्कियाँ तो साइड में तवे के किनारों पे लगा के रखता है, और जो हमारे पत्ते के लिए टिक्की बना रहा होता है उसको बीच में रखता है, जिससे कि वो अच्छे से गर्म हो जाए, अच्छे से सिक जाए, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और फिर वो सर्व करता है। तो इसी तरीके से मैंने किया है। बाकी टिक्कियाँ जो मेरी बन गई हैं उन्हें मैंने तवे के किनारे लगा दिया इस तरीके से, और बीच में एक टिक्की मैंने रखी है जिसको मैं बहुत अच्छे से क्रिस्प करने वाली हूँ। तो पहले मैं सारी की सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद फिर इनको बस गरम तवे पे छोड़ दूंगी तो सारी टिक्कियां गरम हो जाएंगी। जैसे कि मेरा एक बैच ऑलरेडी तैयार हो चुका है और दूसरा बैच तैयार हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अब तक तो बता ही दिया होगा कि आपको किस जगह की चाट सबसे ज्यादा पसंद है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दो जगह की बहुत ही ज्यादा पसंद है टिक्की खाना। एक दिल्ली में सरोजनी नगर में, और वहां जब भी मैं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए सरोजनी नगर में, मैं वो टिक्की खाए बिना लौटती ही नहीं हूँ। चाहे कितनी भी रात हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, मेरा बस यहीं से एजेंडा रहता है घर से कि यार मुझे टिक्की खानी है बस सरोजनी नगर की, और स्पेशली उसी शॉप की। तो जब आप मेरे सरोजनी नगर वाले वीडियो देखोगे आपको वो टिक्की वाली शॉप दिख जाएगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस शॉप की बात कर रही हूँ। और बहुत अच्छी टिक्की लगती है मुझे उसकी, और उस पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है मैं तब भी खड़े होकर वेट करती हूँ और टिक्की बनवाती हूँ। सेकेंड जो मुझे पसंद है वो है तुराब नगर में, गाजियाबाद में, और वो भी बहुत पुरानी शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है। मैंने एक बार उनसे पूछा था, शायद 30-40 साल पुरानी शॉप है, 30-40 साल, हाँ इतनी ही पुरानी शॉप है वो, और उनकी टिक्की भी बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी। मुझे जब मैं तुराब नगर जाती हूँ मैं वहां की टिक्की भी जरूर खाती हूँ। तो ये दो मेरी फेवरेट जगह है जहां पर मुझे टिक्की खाना पसंद है। और अगर आपने अभी तक नहीं बताया कि आपको कहाँ की पसंद है तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे भी अच्छा लगेगा जानकर। सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ कि पर्टिकुलर फ्लेवर ढूंढती हूँ, या आप भी मेरी तरह से ऐसे ही हो? तो आ जाओ दोस्तों, मैं प्लेटिंग करने वाली हूँ टिक्कियों की। तो सबसे पहले मैंने टिक्की डाल दी है, उसके बाद मैंने इसमें ये मटर डाल दी है जो बनाकर तैयार करी थी, ग्रीन चटनी डाल दी है, और उसके बाद इसमें मीठी चटनी डाल दी है यानी कि मीठी सॉल्ट, और उसके बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही थोड़ा सा मेरा लिक्विडी हो गया था, आप थोड़ा गाढ़ा रखना। और उसके बाद इसमें मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है, और थोड़े टमाटर ऐड कर दिए हैं, ग्रीन चिली ऐड कर दी है, चाट मसाला,
और जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, लास्ट में इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसमें धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर हमारी टिक्की चाट बनकर तैयार है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। जल्दी आ जाओ आप लोग खाने के लिए। एक ग्रीन चिली डाली है मैंने मुश्किल से, अगर किसी के मुंह में आ जाए तो प्लीज तो लस्सी पी लेना। तो लस्सी पी लेना मैं और लेकर आती हूँ, जब तक तुम लोग एंजॉय करो। वाह, मैं तो बाहर जाना छोड़ दूंगा। आ जाओ ना आप लोग, खाओ यार। नहीं हम तो खा रहे हैं लेकिन तुम भी आ जाओ। नमकीन भी डालते हैं? हाँ नमकीन पड़ता है, सही बोल रहे हो आप। लेकिन यार घर में नमकीन नहीं था, खत्म हो गया था। ओके पहले जब मैं अपनी चाट खा रही थी तो वो मेरे हाथ से मेरा लस्सी का ग्लास गिर गया और सारी की सारी लस्सी गिर गई, पूरी टेबल गंदी हो गई, पूरी टेबल साफ करनी पड़ी। और जैसे ही वो ग्लास गिरा तो वो ग्लास की ही टेबल है तो वो खटाक से वो ग्लास भी टूट गया। तो मतलब मेरे साथ वो वाली कहानी हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चारा आना या बारह आना जो भी कुछ है। और इतने मन से मैंने प्रशांत से बोलकर लस्सी बनवाई थी, रू अफजा वगैरह डाल के अच्छी सी लस्सी बनाना, क्योंकि मेरे को चाट वगैरह खाने के बाद ना कुछ ठंडा सा पीने का मन कर रहा था और वो भी रू अफजा वाली लस्सी पीने का। लेकिन मेरे नसीब में नहीं थी आज लस्सी और वो गिर गई। कोई बात नहीं, तो मैं अपने लिए खुद बना रही हूँ अभी लस्सी, क्योंकि मैं लस्सी पिए बिना नहीं रहूंगी आज। मेरा बहुत मन कर रहा है पता नहीं क्यों लस्सी पीने का, और वैसे भी जब से वो चाट खाई है ना उसके बाद ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। मेरा ये पिंक लस्सी पीने का मन कर रहा था, परफेक्ट पिंक कलर आया है। लेकिन ये मैं बाद में पीऊंगी, अभी इसे फ्रिज में रख रही हूँ, कुछ बर्तन है उन्हें क्लीन कर लेती हूँ पहले। मामा अर्थ का ओपन फेस मास्क लगाऊंगी इसके बाद। फेस को ड्राई नहीं कर रही हूँ, बिना ड्राई करे मास्क भी लगा रही हूँ। अगर ड्राई फेस पर मास्क लगाते हो ना तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे अच्छे से मिल भी नहीं पाते स्किन में, उससे पहले ही वो ड्राई हो जाता है। आज का स्किन केयर हो चुका है मेरा। अगर आप स्किन की केयर करते हो ना तो स्किन भी ना खिली खिली सी लगती है। स्किन की केयर करते रहा करिए इसलिए अपने। बस रात में सोने से पहले अपना सेरम लगाऊंगी, थोड़ा सा लिप बाम लगाऊंगी और काम हो जाएगा। गाइज यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने एक ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड लॉट्स ऑफ लव।